भोजपुरी की काफी जानी मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में उन्हें बहुत से लोग सोशल मीडिया के द्वारा परेशान भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी डिप्रेशन का शिकार होते चली जा रही हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक शख्स की वजह से वह अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रही है और हिम्मत नहीं बची है, अब वह आत्महत्या भी कर सकती है। आपको बता दें कि रानी चटर्जी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने एक शख्स की तस्वीर और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा की। इस शख्स का नाम धनंजय सिंह है। रानी चटर्जी ने परेशान होकर अपने पोस्ट में लिखा, डिप्रेशन से मैं बहुत ज्यादा अब परेशान हो चुकी हूँ। अक्सर मैं मजबूत और सकारात्मक बने रहने की बात करती हूँ, पर अब और नहीं हो पा रहा है। यह आदमी कई सालों से मेरे बारे में न जाने कितनी गंदी गंदी बातें फेसबुक पर लिख रहा है। रानी चटर्जी ने पोस्ट में आगे लिखा, मैंने बहुत नजरअंदाज करने की कोशिश की, मैंने कई लोगों से बात की पर सभी ने कहा कि नजरअंदाज करो, पर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं मोटी हूँ, मैं बुढ़िया हूँ या मैं कोई काम करती हूँ, तो यह इतनी भद्दी बातें लिखता है। लोग मुझे यह सब भेजते हैं और कहते हैं नजरअंदाज करो, लेकिन मुझसे अब ये नहीं हो सकता। रानी चटर्जी ने आगे कहा, मैं कई सालों से इस बात को लेकर काफी परेशान हो चुकी हूँ, मानसिक तनाव से मैं गुजर भी रही हूँ। यह शायद चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूँ, इसकी वजह से मेरी निजी जिंदगी में बहुत तनाव है। मुंबई पुलिस से मेरा अनुरोध है, अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो इसका जिम्मेदार धनंजय सिंह होगा। मैंने साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की थी, पर वहाँ पर कहा गया कि इसने मेरा नाम नहीं लिखा है, पर मैं जानती हूँ यह सिर्फ मेरे लिए है। रानी ने कहा, इसके ऐसे पोस्ट पर लोग मेरा नाम लिखकर गंदी गंदी बातें लिखते हैं और यह उसके मजे लेते हैं। मैं हताश हो चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं बची है, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रही हूँ।